हेलो नमस्कार। आज हम देखेंगे कि धनतेरस पर आटे के दिए कैसे बनाएं, है ना। तो इसके लिए है ना क्या चाहिए, हमें आटा चाहिए, जो जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं ना, हमको नमक तेल घी कुछ नहीं डालना है, सिंपली कर्रा आटा मारना है। और आटा मारने के बाद हम एक गोली लेंगे, मतलब एक लोई लेंगे, और देखिए जैसे मैं थंब लगा के बना रही हूँ ना, ये देखिए कैविटी बना रही हूँ ना, ये देखिए आप धीरे 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 इसको गोल करती जाइए, और ये की है ना दिया आपका बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए है ना, मैं और बताती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा आटे का गोला लिया और इसको पिचका दिया, ये देखिए इसमें थंब लगा के और इसको कर्व देते जाइए। ये देखिए बहुत सिंपल और ईजी है। और धनतेरस पर है ना जनरली आटे के दिए ही बनाए जाते हैं, इसको है ना यम दिया भी बोलते हैं। ये देखिए, और है ना चौमुखी बनाना है तो आप चौमुखी बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ी लोई ले लीजिए और इसके चार मुख बना लीजिए। जैसे मैंने एक बनाया है ना, तो हम लोग है ना ऐसे ही बनाते हैं। चार मुखी वाला कोई बनाता है तो चार मुखी वाला बना लीजिए, है ना। ये देखिए मैं और बताती हूँ आपको, एक गोला लेंगे हम, ये देखिए, और इसमें कर्व देंगे, ये देखिए है ना, कटोरी सा बनाएंगे हम, ये देखिए, और घुमाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, इसको घुमाना है, ये देखिए बहुत प्यार से, ये देखिए बहुत पतले भी बनते हैं, और उसमें है ना ग्रिप भी बहुत रहती है। आप 2 स्पून इसमें ऑयल है ना आ जाता है आराम से, ये देखिए। और इसको है ना इसको बिठा दीजिए परात में या थाली में, ये देखिए, और इसका है ना मुंह बना दीजिए। ऐसे है ना चार मुंह भी बना सकते हैं, ये देखिए। मैं एक और दिखा देती हूँ आपको, बेटी भी बना रही है लेकिन है ना वो टाइम लगाती है और ऐसा नहीं बन पाता है उसका, तो इसलिए है ना मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना आजकल की जनरेशन के, तो है ना वो इन सब चीज़ों में है ना उतनी जल्दी नहीं बना पाते हैं और उनको इतना विश्वास भी नहीं रहता है। ये देखिए है ना आटे के दिए दान ही किए जाते हैं धनतेरस के दिन। ये देखिए ये कर्व दे दिया है ना, ऐसे आप चार दे सकते हैं तो ये चार मुखी बन जाएगा, है ना। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये देखिए, और अभी मेरे आधे बनके रेडी हो गए हैं, चार दिए बनके, अभी हम और बनाएंगे। तो ये मेरे पूरे है ना 11 दिए बनके रेडी हो गए, ये देखिए। ये है ना सारे दिए बनके है ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए क्या करना है हमें, अब है ना इसकी हमें बाती भी बनानी है। ये देखिए सारे दिए बनके हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए है ना। अब इसके है ना हम बाती बनाएंगे, तो बाती बनाने के लिए क्या करना है, जो मार्केट में रुई मिलती है ना, एक तो है ना मार्केट में बनी बनाई भी मिलती हैं, और है ना ये बनी बनाई बहुत महंगी भी पड़ती हैं और उतनी अच्छी नहीं रहती हैं। ये है ना, ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है, ये देखिए एक छोटा सा है ना रुई का हम ये लेंगे पीस, लंबा लंबा ही रहता है, ये देखिए, और इसको लंबे में बना लें जैसे माचिस की तीली होती है ना, ऐसे लंबे लंबे में, और उंगलियों से दोनों उंगलियों से है ना इसको रोल कर लें और हथेली पर इसको लेके रगड़ दें। ये देखिए आप चाहें तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं या दूध लगा सकते हैं, ये देखिए ये सिंपल ही बनाई जाती हैं ये बातियाँ, जैसे रहती है ना दूसरी बत्तियाँ, जैसे वो मैंने है ना 1, 2, 3, 5, 7, 11 की बत्ती कैसे बनाते हैं वो भी मेरे वीडियो में है, तो आप है ना उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए ये मैं है ना आटे के दिए के लिए ही बत्ती बना रही हूँ, और इस वाली बत्ती की क्या खासियत है कि इसको है ना इसको कर्व दे के और इसको रगड़ के इसको है ना बट देते हैं, ये देखिए, तो ये लंबी बत्ती बन जाती है। चाहें तो आप एक रख सकते हैं लेकिन है ना हम दोनों बत्तियों को जोड़ के इसको है ना बट देते हैं,
ये देखिए दो बत्तियां मैंने बट दी हैं इसको, और इसको हम हथेली से रगड़ देंगे। ये देखिए तो हमारी एक बत्ती बन के रेडी हो जाएगी, यानी कि दो बत्तियों की एक बत्ती बनाएंगे हम मिला के, है ना। तो ऐसे है ना हम सारी बत्तियां बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखिए बस उंगली से और थम से है ना इसको बट देना है। ये देखिए, और इसको चाहे तो आप बुक के ऊपर रख के भी बना सकते हैं। जैसे मैं हाथ में बना रही हूँ ना, तो आप एक बुक ले लें, बुक थाली ले लें, बुक ले लें, या है ना सरफेस ले लें कोई भी, तो ये रगड़ के बना सकते हैं। मैं हथेली पर रख के बना रही हूँ क्योंकि जल्दी काम हो जाता है ना, फटाफट दिए भी बन गए हैं, बत्ती भी बन गई है। ये देखिए, और दो बत्ती की एक बत्ती बनाई है ना। ये देखिए, और बत्ती है ना कभी भी है ना पानी का हाथ भी लगा सकते हैं, आपको जरा सा ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो दिया जलेगा नहीं, है ना। बिल्कुल माइनर सा लगाना है, इतनी देर में वो सूख भी जाता है पानी। ये देखिए है ना, तो हमारी सारी बत्तियाँ बन के रेडी हो गई हैं और दिए भी बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए मेरी बेटी भी बना रही है, क्योंकि हमारी 11 दिए हैं तो हमें 22 बत्ती बनानी है, है ना, एट ए टाइम। या तो आप बना के भी रख सकते हैं एक दिन पहले। ये देखिए, ये देखिए कितनी पतली बन गई है ना। एक तो क्या रहता है ना, दो बत्तियाँ लगाने से शुभ मानते हैं, माने कि हम जोड़ा जला रहे हैं, है ना। एक बत्ती भी आप जला सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो दो बत्तियों का एक जोड़ा बन गया है और हमारी बत्तियाँ भी रेडी हो गई हैं। ये देखिए, ये देखिए आप हाथ से कर लीजिए और दोनों को ट्विस्ट करके मिला दीजिए। ये देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, मैं तो थंब और उंगली से ही बना लेती हूँ, है ना। ये देखिए, वो दिया भी हमारा है ना बहुत टाइम तक जलता रहता है ऐसे बनाने से। ये देखिए, इसको हथेली से लेके रगड़ दीजिए और सारे दिए बनके हमारे रेडी हो गए हैं, बत्ती भी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, बेटी भी बना रही है लेकिन उसका ऐसा नहीं बन रहा है। ये देखिए, और दोनों को ऐसे छोटा छोटा ले लें पीस और दोनों को मिला के बना लें। तो जो धनतेरस पर दिए बनाए जाते हैं, आटे के दिए और उसकी बत्ती, है ना, सिंपल बत्ती है ये। ये देखिए, और ये बत्ती बनके हमारी रेडी हो गई है। पहले वाली क्लिप में क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये क्लियर दिखा रही हूँ आपको। पहले वाली में है ना क्लियर नहीं आ रहा था क्लिप में। ये देखिए हमारी सारी बत्तियां बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए, और रगड़ दीजिए इसको हथेली से। धनतेरस पर है ना आटे के दिए ही शुभ माने जाते हैं। मिट्टी के दिए तो हम कल जलाएंगे और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को जलाएंगे। देखिए तो सारे हमारी बत्तियां बनके रेडी हो गई हैं और दिए। अब हम क्या करेंगे, सरसों का तेल डालेंगे इसमें। ये देखिए 1.5 स्पून जा रहा है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं दिया। ये देखिए इतना काफ़ी है, अगर आपको ज़्यादा देर तक जलाना है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिए इसमें, पूरे भर दीजिए, कहने का मतलब है। ये देखिए है ना, और सरसों के तेल का ही दिया जलाया जाता है, तो है ना चौमुखी दिया जलाते हैं ना, तो हमारे ये चार वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने है ना एक बत्ती में दोनों का जॉइंट कर दिया है, माने कि एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा उधर। तो एक थैली पे हम ये रखेंगे, दूसरी थैली पे हम वो रखेंगे। वो दिए हमेशा है ना जोड़े में जलाते हैं, एक बत्ती है ना नहीं जलाते हैं, तो इसलिए दोनों बत्तियों को ट्विस्ट करके उसको बट दीजिए, तो ये एक बत्ती बन जाएगी आपकी। कहने का मतलब है ये दो बत्तियां हैं जिसकी हमने एक बनाई है, लेकिन हम इसको एक ही बोलते हैं। ये देखिए, और इसमें ना सरसों का तेल डाल दीजिए। कोई कोई तिल का तेल भी डालता है, लेकिन है ना सरसों का तेल और आटे के दिए से ही धनतेरस में को जलाते हैं। ये देखिए हमारे सारे दिए बन के रेडी हो गए हैं।
अब हम है ना दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। ये देखिए, पहले हमने प्रांत में बनाई थी ना, अब हम दूसरी थाली में ट्रांसफ़र करेंगे इसको जलाने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं ना आटे के दिए। मिट्टी के दिए तो हम हमेशा जलाते हैं, बस ये इसी दिन ही मौका मिलता है आटे के दिए जलाने का। ये देखिए, और दूसरी तरीके से भी और इसको कर्व दे सकते हैं आटे के दिए को, लेकिन मैं है ना ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल, क्योंकि हमेशा से ऐसे ही बनाए हैं ना, तो मैं वैसे ही वही रीत फॉलो करती हूँ इसलिए। ये देखिए, और है ना सारे है ना माचिस से जला लीजिए, और आप है ना 2 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, और 11 भी बना सकते हैं। मैंने 11 बनाए हैं। ये देखिए, दिए जल के हमारी रेडी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस दीपावली पर, धनतेरस पर आटे के दिए, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और इतना बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताया है मैंने, कोई भी बना सकता है। ये देखिए, ये देखिए नीचे आटा लगा दीजिए, रंगोली की जगह आटा रख दीजिए नीचे, और ये है ना बेस लगा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू।